सभी जरूरतमंदों को पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ देने की मंशा को लेकर 21 फरवरी को दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच करेगा प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों आदि के लिए पेंशन की अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हजारों जरूरतमंदों ने पेंशन के लिए आवेदन जमा किए हैं, किंतु इन्हें पेंशन के लिए इसलिए अपात्र बताकर पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है क्योंकि इनके नाम 2021 के बीपीएल सूची या 2011 के सर्वे सूची में नहीं हैं। 10 और 20 वर्ष पुरानी सूची का हवाला देकर आज के ज़रूरतमंदों को लाभ से वंचित करना अनुचित है। शासन द्वारा प्रतिमाह मात्र 300 रुपये की राशि दी जाती है, वह भी नियमित रूप से नहीं मिल पाती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की थी। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल से अधिक हो गए हैं, किंतु पेंशन की राशि बढ़ाने का वायदा पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों जरूरतमंदों ने नगरीय निकायों और पंचायतों में आवेदन जमा किए हैं, सूची में भी उनके नाम शामिल हैं, फिर भी अधिकांश को योजना का लाभ नहीं मिला है। कुछ लोगों को लाभ मिला भी तो किसी एक सिर्फ किस्त और किसी दो की किस्त राशि ही मिल पाई, जिसके कारण उनके आवास पूरे नहीं हो पाए हैं। पूरी राशि मिलने की आस में अनेक लोग कर्ज में डूब गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आवास और पेंशन के मुद्दों पर 21 फरवरी को दुर्ग में प्रदर्शन करने का मन बनाया है। इस संबंध में राजकुमार गुप्त ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की पेंशन योजनाएं वृद्धजनों के लिए, निराश्रितों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए संचालित की जा रही है। पिछले कुछ सालों से हजारों लोगों ने, जो पेंशन के जरूरतमंद हैं, उन्होंने पंचायतों में और नगरीय निकायों में पेंशन के लिए आवेदन लगाया हुआ है, किंतु उन्हें इसलिए पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कि उनके नाम 2001 के बीपीएल सूची में या 2011 के सर्वे सूची में नहीं है। ये 10 साल 20 साल पहले बनाया हुआ सूची है, जिसके कारण आज के ज़रूरतमंदों को पेंशन के लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि पेंशन की राशि जो आज लगभग 300 रुपये प्रतिमाह मिल रही है, उसे बढ़ा करके 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज तक राज्य सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाने का वायदा जो है पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। हजारों ज़रूरतमंदों ने आवेदन जमा किया हुआ है पंचायतों में, नगरीय निकायों में, मगर अधिकांश लोगों के आवेदन फंड की व्यवस्था नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों को योजना का लाभ मिला भी है, आवास बनना चालू भी हुआ है, किसी को एक किस्त, किसी को दो किस्त। इस प्रकार से आधी अधूरी राशि हितग्राहियों को दी गई है, जिसके कारण उनके मकान पूरे नहीं हो पा रहे हैं और अनेक हितग्राही जो हैं कर्ज में डूब गए हैं। हमने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से आवास और पेंशन के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है और आने वाले 21 तारीख को यानि परसों छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच द्वारा दुर्ग में आवास और पेंशन के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा और शासन से हम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग करेंगे। सर्वे सूची से जो अनिवार्यता है नाम होने का, उसको हटा करके सूची को अद्यतन हर साल करने की मांग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।